दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद बखुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। हिजरत से जुड़ी इन्हीं कहानियों में से एक कहानी हाजी मोहम्मद मुख्तार हुसैन साहब की भी है, जो होशियारपुर से हिजरत करके लाहौर पहुंचे। मेरा नाम हाजी मोहम्मद मुख्तार हुसैन, मेरी पैदाइश जड़ी है ना वो हिंदुस्तान की हैगी है। तहसील दसूआ सी, जिला होशियारपुर से, तो पिंड है पन्नमा सगला, पिंड का ना है। मैं दसवीं सो वाले साहब जोड़े सर ना वो इतने लाहौर ये काम करते हैं, इतने लोको डिपू के बच्चे। जिस मतलब थोड़ा होश पड़ी है ना, तो फिर उतो वालदा जी लैके फिर मतलब लाहौर आ गए। फिर वालदा भी मतलब भी वो कभी कभी पिंड चले जाइए सी, तो कभी मतलब कि लाहौर आ जाइए, क्योंकि वालद साहब इतने जो काम करते सन रेलवे के बच्चे। फंडे का सू पता ही नहीं सी भाई है की चक्कर होना या की नहीं, तो जो पता पता होंगे तो असी मतलब उठे असी जाते ही ना उठे। और दादे मेरे का भनोइया से वो कह लगा मुंशी इन्होंने रहना कोई नहीं होगा, खुदा नाता इतने कोई वाकया हो गया इन्होंने ना, तो सारी उम्र दर हो गया लै जाना भी लो जी साढ़े ना लै जो लम हो, तो इन्हों कर के तू छड़ के आ। जिस तरह उत्थे जाके असं फस गए थे, तो जे साढ़े असी निकलते ना उतों दौड़ ना लाते, वो दादा मेरा फिर सानू फिर बाहर फिर स्टेशन से गड्डी चढ़ा के तो फिर गया। फिर लड़ाइया जिसले शुरू हुई ही जंग उदों असी फिर गए हाँ स्टेशन पर, जिसले तो गड्डी जी पहली निकल गई। जिसले अटारी तो अगे गई है ना, तो वो अगे अमृतसर पहुंची है ना, तो उन्होंने अगे दरख्त वढ़ के अगे सुट दिता हिंदुआ सिखा ने, तो वो जी गड्डी सारी है ना सारी मतलब उन्होंने वढ़ के ना बर्बाद कर दिता, जिन्हें बंदे सारे ही मार दते। असी बाद दूसरी गड्डी तो जिसले गए हाँ दूसरे टाइम दी, तो वो लगे जिसले अमृतसर कोल गए ना पिछों आवाज की आई है, लोग बंद ने रौला पाता जी दरवाजे खिड़कियाँ जी बंद कर दिए। अगे फिर जाके होशियारपुर जिले वो साढ़े स्टेशन तो गड्डी खलोती है, असी एकदम दरवाज़ा खोल के वो गड्डी नूं पए ने, असी उन्हें लत्तां दे विचों ही निकल गए ना, तो काफ़ी दूर निकल गए हैं। अगे रेगिस्तान है असी सारा, और रेगिस्तान के विचों असी फिर पिंड वाल अपने वाल चले गए। जिसले पिंड वाल लगे जाने तो की वेखने दो मुंडे जवान, उन्होंने दोवे ने तलवारा फड़िया ही हैं, तो वो अपने वालों आए ने भी इन्होंने मार मारन वढ़न वास्ते सानू। उन्होंने जिसले वो मेरे दादा भी नाल सन, वो स्कूल मास्टर सन उठे, उन्होंने जिसले आवाज़ दी कौन है, उन्होंने जिसले आवाज़ दी ना बोले ना, उन्होंने आवाज़ पछाण के कहते उस्ताद जी तुम इस वे किधरों आए हो, कह लगे यार लाहौर गया अस, तो लाहौरों आया मैं। तो हूँ फिर वो साढ़े नाल घर तक सानू छड के, यानी कि साढ़े ना फिर उन्होंने हरकत कोई नहीं की, सानू घर छड के तो फिर उतो वापस आए, तो असी दरवाज़ा खड़काने पे घर वो बूआ खोलो, वो कहते खरे मारन वढ़न वाले आए ने सिख या हिंदू, तो वह दरवाज़ा ही नहीं खोलते पे, ये दरवाज़ा तो खोलो। फिर उन्होंने आवाज़ पछाण के फिर दरवाज़ा खोले। फिर पाँच चार दिन रहे हैं, वालदा कह लगी हूँ पता नहीं है उन्होंने उत्थे हालत की है, घूम तो जाते ने नहीं जाते या की बने या की नहीं, क्योंकि हालात साढ़े जोड़ा मकान है ना इतने भी
वो बैग जी लगती है ना सारे हिंदू सिखों के ही है ना, तो वो साढ़े पिंड मेरे नानक पिंड मेरे ददक पिंड सन ज्यादा उन्होंने उत्थे जा के फतूर पाया कि इन्होंने मुंडिया ने साढ़े उत्थे कतलेआम उन्होंने किया साढ़े मकानों में अगर लाइया साजो लुटमार की ये किया वो किया हूँ जोड़ा ब लोहे वाली पंडोली जी मेरे नानके रेंदे सन तो मेरा नाना जोड़ा सी ना वो जोड़ा नंबरदार से हो गया सी सिख तो सिख का ये दोवें भरा बने सन वो जिसले उन्होंने नानी मेरी सुनेहा दिता कि तू असी पाकिस्तान नहीं जान देना तू इत मारा उन्होंने मेरी हूँ सोचे की करा सोच सोच के ना तो एंड उन्हें की किया जिसले चांदी चाननी खत्म हो गई है ना रात मतलब कि रात अंधेरी है रात आ गई तो नानी मेरी ना दीवार बाहरों नहीं निकल के दीवार के नाल ला लग के ना तो नंबरदार के घर गई नंबरदार कहता बीबी किस ऐसे किधर आई है तू कहती भाजी तुम की दसा वो इस तरह इस तरह मुंडे ने सिखा दे हिंदुआ दे सारे कहें कि तू असी पाकिस्तान जा नहीं तू इत मारना तू असी बार्डर पार कर नहीं देना उन्हें कहा जो तुम जाना हो नंबरदार ने कहा सिख जरा फिर फेवर करता से हिंदुआ ने उन्होंने चक्कर दिता है कि ताड़ा सूबा लैदा बनावे तो यह चक्कर दे के सिखा लड़ा के सिखा मरवाया वो कह लगा जिस तुम जाना तो मैनू दस देना मैं ट्रक से तू बिठा के बार्डर पार करा के तो फिर मैं वापस घर आव वो तो नानक घर से ना वो तो उन्होंने जीए सी तो असी फिर इतों ही ददकिया के पिंडों ही असी फिर वापस आ गए आए हाँ जल्द स्टेशन पर पहुंचे लाहौर तो लाहौर स्टेशन पर उतरे जिस उधरों करफ्यू खुलन की आवाज़ आई है रात करफ्यू लग जाता ड्यूटिया से जिन्होंने जाना तो वालदा कहती भी एक करफ्यू खुल गया तो दौड़ के चले जाइए वो कले उ बैठते बेच किराए से रहने तो वो कला होना तो वो जो निकल गया असी सारी दिहाड़ी फिर बाहर ही बैठे रहेंगे उतों ज्यों असी दौड़ लाई है तो रस्ते सिखा दे आबादी है किसी उधरों की लंघन लगे शार्ट रस्ता उधर वेख्या तो मार मार के तो उत्थे ढेर लगे उधर रस्ता ही बंद फिर दूसरे पास की मस्जिद ही है बोर्ड वाली मस्जिद साढ़े बड़ी वीडी मस्जिद वो कोलों की लंघ के फिर अभी घर आए जिस दिन घर अभी जिसल गली बड़े हाँ तो वेख्या तो कुंडी ला के ना तो ताला लाने लगे से तो असी पहुँच गए यह ज़्यादा जी शैतानियाँ की ना यह सिखा ने उन्होंने लालच दे के कराइया तो उत्थे ज़्यादा साढ़े पिंड सिख ही उन्होंने मगर लग के दलील हो साडियां मावं भैन सारे मतलब कि जड़ियाँ है वो इन्हें जुलम ही इन्हें जुलम करते सन पे कि जी कोई आदि नहीं जाना जिन्होंने तो पता लगता से ना वो तो कहती भी वो खूह छाल मार दीए तो वो बेहतर है बनिस्बत मतलब हाथ चाहिए और जो खूह के उन्होंने छाल मारिया खूह तो अगे ही इन्ने डूंगिया तो मुड़ के तो निकलिया भी नहीं जाना उन्होंने तो बच्चे बेचारिया मर के तबाह हो गई जोड़ा सा मेरे नानके पिंड के बहर खूह से ना तकरीबन एक मन तो उत्ते लज जी है ना वो पैंती सी तो जो पानी कटना तो फिर इस्तेमाल करना 10-12 साल तो उत्ते ही गा सी मंदिर वाले मस्जिद बनन ही नहीं देंगे तो की होया कि कैद आजम एडा वा वकील है बरिस्टर है कि उन्हें वो केस है उन्हें कहा तुम बनाओ वो नहीं सन बनन देंगे लो जी वो की होया उन्हें आर्डर की किया एक रात के बच्चों की मस्जिद का ना ही यो लिखा कि मस्जिद तो बन गई सब भर में इमाम की रार तुम देख लो पट्ठे कितने ने सीमेंट कितने रेत कितने तो कितने तो कि माशाला वो बनी लेके रहेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद उदों भी अल्लाह ने बचाया देखो बाहर तला है तला को खलोते हैं इंज गोली जो उधरों आई है तो ऐसा को छह करके निकल गई है तो अगे जाके डिपू है डिपू के बिच बजी जल्द जाके तो जिस वापस गए गए हैं उतो तला को तो जिस दिन वेखी मैं कह ली रब ने बचाया नहीं तो नहीं तो अज इतने पूरे हो जाए उदों जे जे खूह ने ना उधर हिंदुस्तान वाले उन्हें इन्ने डूंगे ने ना कि मेरा ख्याल तारे अंग थले पानी नजर आता है लिहाज से उन्होंने किसी का भी नहीं ना किया
ना उन्होंने व्डे वेख्या ना छोटे वेख्या है तो सिर्फ साढ़ा लिहाज यह हो गया कि साढ़े दादा जन नसीब करे वो स्कूल मास्टर सन उन्होंने वजह न मतलब उन्होंने दीद कर ली नहीं तो उन्होंने दीद कर दीद करनी होंगी तो इन्ना इन्हें जुलम क्यों करते जी लाशा मिसाल तौर पर पी हैं तो उन्होंने वेख के भी अपने घर के कोल लाशा इन सन मैं तुम्हें की दसा कि लाशा उत्थे साढ़े घर के नाल पिछले पास लाशा ही लाशा सन भावें उन्होंने हाँ तो भावें साढ़िया देख के दिल से घबरा परेशान हों लेकिन उत्थे उस वे उस टाइम बंदा कर भी कुछ नहीं सकता। तकरीबन सारे जड़े सन ना बाकी असी तो इतने सन तो साढ़े दादा भी नाना भी सारे नाना भी इतने से बाकी मा नानी मामे बाकी चाचे सारे ये फिर बाद आए ने पहले आए ने उत्थे अटारी अटारियों फिर उन्होंने बौली कैंप गए इतने छोनी के ना लगे बौली कैंप लभ लभ के लभ लभ के फिर इन्हों उतों फिर घर लिया घर के कोल जो सिखा के मकान से उन्होंने टाले तोड़ के उन्होंने अंदर उन्होंने वाड़ के उत्थे रोटियां घरों पका पका के लिजा के फिर उन्होंने खवाणियाँ फिर जिस वे वेख्या भी हूँ थोड़ा जहा सुकून हो गया तो फिर हूँ फिर वो कह लगे भी हूँ असी जिते समा दे इक्का दुक्का जोड़ा सी ना फिर इधर उधर मतलब के निकल के कोई मुल्तान चले गया कोई चीचा वतनी चले गया कोई कितने चले गया कितने चले गया ऐसा किरम के नहीं जो कणक का छिट बीजो ना तो छट्टा लाओ तो वो कोई कितने दाना दे के लग गई फिर यह हिसाब हो सारे जिन्हें भी उधरों फिर आए ने उधरों फिर छटते कितने गए सर हम ये जड़े आ गए ने निकल के उन्होंने फिर साढ़े ही कजीज गए थी उन्होंने बीवी तुम तक मैं की दसा उन्होंने उन्होंने फड़ लिया वो घर लै गए उन्होंने बाहर नहीं सी निकल देते तो उन्हें पकौड़े वेखे पकौड़े वाला उन्हें पकौड़े ले कुरान पाक का सफा है साजे वो उन्हें पकौड़े पा के दिते तो जिस वे उन्हें वो पकौड़े पा के दिते ने ना उन्हें वेख के ना हूँ वो पढ़ी लिखी उन्हें वेख के ना तो पकौड़े तो जोड़े खाने से उन्हें कुरान पाक जोड़ा ही ना उन्हें उ पढ़ दी है तो पता नहीं फिर की उन्होंने देन च आई गल तो की नहीं आई उन्होंने किस तरह उन्होंने फिर आज़ाद किया या वो कुरान पाक की बरकत दे कई ने तो इंज किया ना गर्दना लाइया ने कई ने बाहवा जड़िया ने तलवारा मार के ना तो बाहवा वट दतिया तो भी काम ही कोई ना कर सके या किया लत लत रख के ना उन्होंने मतलब के बच्चों की तो व्डिया की जिन्हें भी जुलम हो सके इन्होंने किया माफ़ी नहीं किसी को दी हम ये नहीं तो कराने वाले हिंदू सन सिख सिख बेवकूफ बन के उन्होंने मगर लग के उन्होंने खाना खराब हो गया तो अज उ पछताते ने पे पिछमें सी इन्होंने मगर लग के तो सू मिले फिर भी पंजाबी सूबा कोई नहीं उन्होंने पंजाबी सूबे की दौड़ ला के लोगों ने जुलम किए ने जुलम किया ही सारा सिखा ने लत तो लत रख के इंज चीरे ने ना देख रोना आता सी हूँ की बंदा कवे अपनी जान बचावे या इन्हों का बेड़ा गर करे या तो अपने को भी कोई ऐसी चीज़ होंगी तो बंदा मारता भी लै तू तो उन्होंने मारे अभी तेरा खाना खराब करने साढ़े को अभी तो है ना हथे स गड्डी के बच्चे मतलब इन किन्नी दुनिया होएगी तो किन्नी दुनिया उन्होंने मारी है तबाह कर दी है इंज खूनो खून इंज है जिमें दरिया मंगते हैं पे उत्थे स्टेशन उन्हों को आशा हैगी सी नाले नाले असी हर जगह तो चंद जी ही गए सो तो सारे उधर ज्यादा तो वह ही गए सो उन्होंने जुलम कर जुलम का बदला अभी उन्होंने को लै ही नहीं सी सकते क्योंकि साढ़े को है उन्होंने को कृपाना भी उन्होंने को तलवारा भी उन्होंने को बर्छिया भी उन्होंने को इतने भी इंज दौड़ते सन कोई दौड़ा ला गए तो कोई जड़े नहीं सही भी है सन पहलो असी उन्होंने घर जाइदा सी जे साडे पिंड घर जाइदा सी मठियाइया की सत रंग दिया मठियाइया की गुब्बारे तो की कुछ सानू
बचे समझ के सानू देने से तो वह ही फिर साढ़े दुश्मन वो बेच मेरे मेरे मेरी चाची है सी तो वह मतलब भी वह घर है जिते दादा रेंदे सी ना वो नाल ही उन्होंने भी घर से तो उन्होंने उन्होंने जिस तरह भी उन्होंने को जुलम वो होया पहले पता नहीं की जुलम करते रहे लिजा के मुड़ के उस तो बाद मार के लिया के फिर उन्होंने अगे सुट गए ला भी है हूँ अपना माल छब उस फिर बंदा फिर रोंदा पिटता ही है ना भी होर की कर सकता उन्होंने तो कह कुछ नहीं सकते समझ गए कि नहीं तो जुलम की जड़ी है ना इन्होंने हद यहो जी मुकाई है ना कि इन्होंने यह पता थी भी असी कहड़ा पाकिस्तान जाना पाकिस्तान तो जोड़ा साढ़े ना जुलम करे जिन्हें के इन्होंने कर लेना असी तो रहना ही उ हिंदुआ सिखा ने जुलम किए ने कि होर कि ने करने समझ गए कि नहीं जुलम जुलम की तो हद ही नहीं ना छी इन्होंने कोई भी जो कुछ भी इन्होंने को जुलम होया जिस किस्म का भी शर्म आई है गल करते हैं भी कि मैं मेरी जबान नहीं जेब दें मैं इस बात मैं चुपे गया वहां क्यों कि मेरी जबान नहीं जेब दें कि मैं साढ़िया भैन ने मावं ने कि मैं हूँ उन्होंने आप अपने सामने मैं शर्मिंदे करा तो मैं उन्होंने नहीं इन्होंने चीज़ा का एहसास उन्होंने अपने का नहीं एहसास है तो दूसरे का उन्होंने की एहसास हो सकता इन्होंने हदा मकाती हैं कि लबा फेर कुछ नहीं सिखा लबा फेर कख नहीं समझिए कि नहीं उन्होंने छुपे का तो चकमा दे के उन्होंने को उन्होंने लड़ा के उन्होंने मरवाया इन्हों कदर कितने अजक माहौल हुई है अजक बच्चे जड़े ने ना हर गल उन्होंने समझाई दी भी है तो यार तुम खुदा का खौफ करो देखो ये बने किस तरह किनिया जाना बर्बाद हो देखो कि यह बने किस तरह में तुहानू नहीं पता कम अज कम साढ़े नाल गल करो साढ़े को पुछो जिन्होंने वेख्या की जुलम साढ़िया मावं भैन बुजुर्गों नाल जुलम उन्होंने किए ने तो जे तुम यदि कदर ना करोगे तो कल नू कोई होर कब्जा ग्रुप आ जाएगा फिर उहदे नाल बेहतर यही है कि बंदे दे पुत्तरां वाला काम करो तो मतलब ये भी जिदे नाल तुहाडा भी फायदा तो असी भी साह जिहड़े ने जिंदगी दे असी भी सौखे ले लवांगे नहीं तो साडा तो असी तो अखीर हो गया तुहानू जान बचानी औखी हो जाणी।